ये जो साउंड सिस्टम आप देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज होता भी नहीं है और ये चालू भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, खोल दिए हैं इसको। देखिए इसमें हो क्या रहा है ना, देखिए 1 मिनट, ये देखिए ये चार्जिंग सॉकेट से यहाँ तक 5 वोल्ट इन कर रहा है, पर ये जो निकल करके ये जो चार्जिंग आईसी पे जाता है, इसका ये पोर्ट पे इन कर रहा है 5 वोल्ट, पर इस साइड में यहाँ से आउटपुट होता है इसके, उस साइड यहाँ पे 4 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए, पर वो नहीं कर रहा है। ये आईसी में प्रॉब्लम है। तो ये आईसी मार्केट पे मिलता नहीं है, ये नहीं मिलने की वजह से ये सेट डेड हो जाता है। तो एक उपाय है, आप इसको हटा करके इसकी जगह एक डायोड लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हटा के इसकी जगह डायोड लगा के आपको दिखाते हैं, और ये भी दिखा देते हैं कि इसके पोर्ट पे वोल्टेज इन कर रहा है और आउट क्यों नहीं कर रहा है, वो देख लीजिए एक बार आप। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको चेक करते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ये इसका मोड चेंज कर लेना है। 1 मिनट, देखिए 1 मिनट, इसको डीसी मोड पे सेट कर लिए हैं। 1 मिनट, देखिए 4.9 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और इस साइड, इसके इस साइड में 4 वोल्ट आना चाहिए था। देखिए इस साइड में 4 वोल्ट आउटपुट जाके ये बैटरी में जाता है, पर ये नहीं जा रहा है। तो इसको पहले रिमूव कर लीजिए, अगर आपके पास SMD ब्लूअर है तो उससे करिए, वरना सोल्डिंग आयरन से भी आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग सोल्डिंग आयरन से करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जगह से आईसी को, देखिए 1 मिनट, ये जगह से आईसी को रिमूव कर दिए। यहाँ पे इनपुट आता है 4 वोल्ट, और 4.5 वोल्ट इनपुट आता है, 4.5 से 5 वोल्ट, और इस साइड से यहाँ पर ये 4 वोल्ट आउटपुट करता था ये आईसी, पर ये तो ख़राब हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो दोनों पॉइंट देख रहे हैं, ये दोनों को शॉर्ट कर देना है, इस साइड का दोनों पॉइंट को, और ये दोनों आपस पॉइंट में यहाँ पर डायोड लगाना है। तो चलिए एक बार हम करके आपको दिखा देते हैं कैसे करना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों पोर्ट है ना इस साइड का, ये दोनों पोर्ट को डायरेक्ट करने से इसका इंडिकेटर जलने लगता है, पर इसका इंडिकेटर भी ख़राब है, इस वजह से ये नहीं चल रहा है। पर देखिए ये जगह पे डायरेक्ट करने से इसमें पावर आ जा रहा है, देखिए आ गया ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक डायोड लगाना है। ठीक है, तो डायोड लगा देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको डायोड लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से डायोड लगा दीजिएगा तो आपका सर्किट ऑन हो जाएगा, और बैटरी में अगर पोर्ट लगाएंगे तो बैटरी को चार्ज भी करेगा। ध्यान रखिएगा इस साइड, देखिए इस साइड ये क्रॉस रेड, ये जो वाइट पॉइंट है, ये वाइट पट्टी इस साइड होना चाहिए बैटरी के तरफ, चार्जर के तरफ नहीं, ये बैटरी के साइड पर ये वाइट पट्टी होना चाहिए जो क्रॉस है, ये पॉजिटिव साइड। अभी इसका ये जो इंडिकेटर ख़राब हो गया है, तो इस पर आप एक कोई भी LED रेजिस्टेंस दे करके भी लगा सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस देकर नहीं लगाना है तो एक डायरेक्ट मल्टी कलर का LED आता है, वो आप 5 वोल्ट का ही होता है, आप कहीं भी फिट कर सकते हैं उसको डायरेक्ट, उसको भी हम करके दिखा देते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, देखिए ये 5 वोल्ट का LED बल्ब है, इसका जो ग्राउंड वाला पोर्ट है हम लोगों ने यहाँ पर ग्राउंड पर अटैच कर दिया है, और इसका जो मेन पॉजिटिव है ये हम लोगों ने यहाँ पर अटैच कर दिया, जहाँ पर हमारा इनपुट हो रहा था 5 वोल्ट, और ये इस साइड वाला हमारा आउटपुट है जो बैटरी में जा रहा है। तो अब इसको चार्ज में लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए ये हमारा ये चार्ज हो रहा है, और जब ये खोल देंगे ये बंद हो जाएगा,
ये बैटरी में लगने के बाद भी खोलने से बंद होगा। ये देखिए ये बोर्ड में लाइट आ गया। चलिए अब इसको इसे किट स्पीकर के साथ अटैच करते हैं। एक मिनट, देखिए फ्रेंड्स इसमें फ़िट कर दिए हैं सब वायर जितना था अटैच कर दिए हैं। ये बैटरी का वायर है, ये दो स्पीकर का वायर है, ये दो आगे में जिसके 100 LED होती है उसका है, ये वॉल्यूम का है। देखिए इसको चार्ज में लगाने से ये इसका इंडिकेटर है। पहले इसमें दूसरा इंडिकेटर होता है, एक लाल सा हल्का सा धीमा रोशनी जलता है, पर वो ख़राब हो गया है तो ये अरेंजमेंट करना पड़ा। इसमें अगर कोई और LED लगाइएगा तो एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। इस LED के साथ में ऐसा केस नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और अब इसको हम लोग ऑन करके देख लेते हैं, चार्ज थोड़ा सा हुआ ही होगा। देखिए The Bluetooth device is ready to pair. ये देखिए फ्रेंड्स ये ओके हो गया है। तो इसको अब हम लोग फिट कर लेंगे। ये इस तरह से फिट होता है। इसको सेट कर लेते हैं एक मिनट। इसका डिस्प्ले को और सेंसर को अच्छे से फिट कर लीजिएगा। अगर प्रॉपर बैठेगा नहीं तो फिर यह सेंसर काम नहीं करेगा, रिमोट कंट्रोल वाला। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है फ्रेंड्स, पर कोशिश रहेगी अगली बार से और अच्छा क्वालिटी का वीडियो दें आपको। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा रेडी हो चुका है। देखिए द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। ये रेडी हो गया है। फोन से ही शूट कर रहे हैं तो बजा के दिखा नहीं सकते आपको, पर कोई बात नहीं, ये हमारा ओके हो गया। अब चार्ज भी हो रहा है। एक मिनट, अब इसको चार्जिंग पोर्ट लगा के आपको दिखा देते हैं। देखिए लाइट दिख रहा है ना। हाँ, ये ओके हो गया है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।